बच्चों को अच्छी परवरिश देना हर माता पिता की नैतिक जिम्मेदारी होती है और वे माता पिता बच्चों के विकास में सक्रिय और सकारात्मक भूमिका निभाते हैं जो अपने बच्चों की परवरिश एक मित्र, एक शिक्षक और एक मार्गदर्शक बनकर करते हैं। और अगर इनकी आंखों के तारे इनकी आंखों से ओझल हो जाए, नहीं नहीं नहीं, ऐसे ख्याल से भी इनका मन घबराता है। तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। ये कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है, ये कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। जिस तरह एक पौधा खाद, पानी और सूरज की पर्याप्त रोशनी पाकर एक स्वस्थ हरे भरे पेड़ में विकसित होता है, उसी प्रकार एक बच्चा ज्ञान के मंदिर अर्थात विद्यालय में आकर अपने शिक्षक गणों से शिक्षा प्राप्त करके जीवन के सारे कौशलों में पारंगत होता है। प्लीज डोंट क्लिक फॉर क्यों इसका हैरान तो मौसम का है मेहमान तो वो दुनिया सजी तेरे लिए खुद को जरा पहचान तो यह परंपरा सदा से चली आ रही है जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के निर्माण में हमेशा से सहायक रही है। पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड प्लीज काइंडली टेक देयर सीट्स प्लीज।